ताकि एक औरत हो गया एक आदमी होता है उनकी मैरिड होते हैं दोनों वो उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही थी एक औरत और एक मैरिड कपल होता है उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही थी तो उनकी जो औरत थी उसको बगीचा लगाने का बड़ा शौक था उसने गमले लेके आए बाजार से उसमें पौधे लगाए और एक बगीचा बना लिया अपना तो उसके पति ने कुछ दिनों के बाद देखा मेरी पत्नी तो बहुत मेहनत करती है जाके मैं बगीचा देखूं कैसा बना हुआ है इसका गार्डन वगैरह वहाँ देखा तो उसमें फूल के पौधे थे उसमें कुछ फूल खिलाए थे एक नींबू का पेड़ था उसमें नींबू बड़ा होकर उसमें नींबू लटक रहे थे नीचे मिर्ची के पौधे लगे थे मिर्चियाँ निकलाई थी फिर देखा उसने एक गमले को वो घसीट के उसमें बांस का पेड़ लगाया था वो सूख रहा था उसको घसीट के वो हरे भरे पेड़ से उनके साथ बांस लेके जा रही थी तो उसके पति ने पूछा तू ये क्या कर रही है और ये सूख गया पौधा तो इसको मैं हरे भरे जो पौधे हैं उनके पास लेके जा रही हूँ ताकि ये भी हरा हो जाएगा उसे जोर से हंसा वो बोला बेवकूफ या तो इसको खाद डाल या तो पानी डाल तब जो हरा होगा फिर उसका दिमाग एकदम स्ट्राइक किया वो सोचा बात तो सही बोली इसने कि जब मेरे माता पिता बड़े खुश रहते थे जब मम्मी की डेथ हो गई पिताजी इतनी जल्दी बूढ़े हो गए उनके बिना अकेले पड़ गए इतनी जल्दी बूढ़े हो गए उन्होंने अगर मम्मी जिंदा होती तो बूढ़े नहीं होते अकेली मछली रंगीन मछली थी वो उसने अपने जो बर्तन एक जार था पानी में भरा हुआ बीच में उसमें मछली डाल दी उसके लिए खाने के लिए भी डाल दिया मछली खाती नहीं थी इधर घूमती रहती मायूस रहती थी कुछ नहीं खाती थी खाना पूरा नीचे बैठ गया कुछ नहीं खाती थी फिर एक दिन सुबह देखा मछली ऊपर उल्टी पड़ी है और मर गई है उसने सोचा अगर मैं मुझे किसी ने बचपन में बताया होता तो मैं दो तीन मछलियाँ लेके आता ताकि वो खुश रहती उसकी माँ ने उसको जब छोटा था तब एक बात बताई थी जब मकान पीछे बनते थे तो उसमें दो मौके रखे जाते थे दिए रखने के लिए दो दीवार इसमें दरवाजे के इधर इधर खाने बनाए होते हैं तो दिए लगाने के लिए ताकि एक खाना रखे तो एक दिया अकेला अपने आप को अकेला ना समझे दो दिए के लिए को खाना बनाया जाता था उसने बोला कि बिल्कुल सही मेरी पत्नी बोल रही है कभी किसी को अकेला नहीं होने दो ज़िंदगी की में अगर आपका ज़िंदगी का रस कम हो रहा है आपका रस कम हो रहा है ज़िंदगी जीने का या दूसरे का हो रहा है उसको साथ दो सपोर्ट करो उसको अकेला अपना जीवन व्यतीत मत करो अपने फ्रेंड को साथ लेके चलो जो डूब रहा है उसको लेके चलो पूरा सपोर्ट करो ज़िंदगी समझने ज़िंदगी को समझिए और उसको समेटिए तब जाके आपको जिंदगी का मतलब समझ आएगा जिंदगी अकेले नहीं कटती जिंदगी कटती है एक दूसरे का साथ देने से।